हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम इंग्लिश एक्सेल फ्रेंड्स इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ केप ट्राइटर इन फार्माक्यूसीम व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू फ्रेंड्स केप ट्राइटेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फार्माक्यूसीम में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये जनरली वाटर डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है कि किसी भी सैंपल में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है ये देखने के लिए फ्रेंड्स जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इंटरव्यू परपज और नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज कार्ल फिशर जनरल चैप्टर नंबर एज पर यूएसपी इसका आंसर है चैप्टर नंबर 921 वाटर डिटरमिनेशन नेक्स्ट है व्हाट इज कार्लफिसर ट्रेडिशन? इसका आंसर है केएफ ट्रेडिशन इज ए ट्रेडिशन मेथड दैट यूजेस वॉल्यूमेट्रिक और कोलोमेट्रिक ट्रेडिशन टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन एनालाइट दिस मेथड फॉर क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस वाज डेवलप बाय द जर्मन केमिस्ट कार्लफिशर इन द ईयर ऑफ 1935 थर्टी फाइव एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक और कोलोमेट्रिक दो तरह का ट्रेडिसन मेथड यूज किया जाता है कि किसी भी सैंपल में कितना क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है ये देखने के लिए ये क्वान्टिटिव केमिकल एनालिसिस है जिसे डेवलप किया था एक जर्मन केमिस्ट ने जिसका नाम था कार्ल फिशर इन द ईयर ऑफ नाइनटीन थर्टी फाइव नेक्स्ट है वॉट इज द प्रिंसिपल ऑफ कार्ल फिशर ट्रेडिसन इसका आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ केप ट्रेडिसन इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट विथ आयोडिन एंड सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइक्साइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड केप ट्रेडिसन में क्या होता है इसमें आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें वाटर रिएक्ट करता है आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्स के साथ एंड फॉर्म करता है सल्फर ट्राइक्साइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इस इक्वेसन में आप देख सकते हो कैसे वाटर आयोडीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर ट्राइक्साइड बनाता है नेक्स्ट है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ केप रिएजेंट्स इसका आंसर है केप में चार तरह का इंग्रेडिएंट्स होता है नंबर वन आयोडीन नंबर टू सल्फर डाइऑक्साइड नंबर थ्री बफर, जो कि इमिडेजॉल है एंड नंबर फोर सॉल्वेंट जो कि मिथानॉल है नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ के मेथड इसका आंसर है ट्रेडिशन मेथड दो तरह का है नंबर वन वॉल्यूमेट्रिक ट्रेडिशन एंड नंबर टू कोलोमेट्रिक ट्रेडिशन नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक एंड कॉलोमेट्रिक ट्रेडिशन इसका आंसर है द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट इन वॉल्यूमेट्रिक मेथड द ट्राइटेंट इज डायरेक्टली एडेड टू सैंपल विद द हेल्प ऑफ ए ब्यूरेट

इसका आंसर है मिथेनॉल इज यूज एज ए सॉल्वेंट इन कल्फिसन मिथेनॉल को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है केप ट्राइटेशन में नेक्स्ट है ड्रीप्ट इज बैकग्राउंड मॉइस्चर दैट डिटेक्ट बाय द केप केबेटर केप ट्राइटेटर डिटेक्ट द मॉइस्चर इन साइड द वेसल दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर सैंपल नेक्स्ट है व्हाई इज यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ केएफ ट्राइटेटर इसका आंसर है केए ट्राइटर का कैलिब्रेशन के लिए डाइसोडियम टाइटाइट डाइहाइड्रेट यूज किया जाता है क्योंकि नंबर वन सोडियम टाइटाइट डाहाइड्रेट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर केएफ ट्राइटेशन क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है नंबर टू अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज स्टेबल एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड नंबर थ्री Sodium dihydrate has a stoichiometric water content of 15.66 percent. Next, what is the difference between KF and LOD? Its answer KF is a method that measures only water content in a product sample. In other words, it is a water specific. On the other hand, loss and drying measure the total change in weight of a material. न द सैंपल इज ड्राइड केप ट्राइटेटर किसी भी सैंपल में कितना वाटर कंटेंट है सिर्फ यही मेजर करता है और ये कह सकते हो इट्स ए वाटर स्पेसिफिक लेकिन एल में क्या होता है जब कोई सैंपल को ड्राई करने की बात उस पर टोटल वेट पे कितना चेंज हुआ है ये मेजर करता है नेक्स्ट है हुइच इलेक्ट्रॉड यूज इन केबेटोर इसका आंसर है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज इन कैल्फिसर ट्राइटेटर नेक्स्ट इज वाई केफ ट्राइटेटर इज यूज फॉर वाटर डिटर्मिनेशन इसका आंसर है नंबर वन इट्स ए सिलेक्टिव मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट बिकॉज इन ड्राइंग टेक्निक्स कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाटर एंड मॉइस्चर नंबर टू इट्स ए मेथड बिकॉज वेरी स्मॉल स्टैंडर्ड डिशन आर एचिवेबल नंबर थ्री इट्स ए ट्रेसेबल टू वाटर बाय द स्टैंडर्ड यूज फॉर वैलिडेशन एंड नंबर फोर इट्स ए फास्ट टेक्निक बिकॉज इट टेक्स वन टू थ्री मिनट्स एवरेज फॉर डिटर्मिनेशन नेक्स्ट है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर बाय डीएसटी इसका आंसर है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर बाय यूजिंग फॉर्मूला गिवन बिलो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ के फॉर कॉन्ज्यूम इन एम एल इन हंड्रेड इन फैक्टर अपन वेट ऑफ डाइसोडियम टाइट्राइट इन एम जी इसका लिमिट है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स प्लस माइनस फाइव परसेंट मतलब फोर्टीन पॉइंट एट सेवन टू सिक्सटीन पॉइंट फोर फोर फ्रेंड्स इस फॉर्मूला को ध्यान से याद रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फॉर्मूले को इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस इक्विपमेंट्स ऑफ टाइटेटर इसका आंसर है दीज आर द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन टाइटेटर दीज आर ड्राइंग ट्यूब सैम्पल इंजेक्शन कैप इलेक्ट्रोड एनालिसिस ड्रेन कुक ए कैथोड चैम्बर डिटेक्शन इलेक्ट्रोड रोटोर एंड एनोड चैम्बर इन दिस डायग्राम यू कैन सी द वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स ऑफ केफ ट्राइटर नेक्स्ट है वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ केफ ट्राइटेशन आंसर है देयर आर वेरियस लिमिटेशन इन केफ ट्राइटेशन नंबर वन इट इज द डिस्ट्रक्टिव टेक्निक एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है नंबर टू द सोल्भेंट कंज्शन इज हाई एज द मैनुअल वोल्यूमेट्रिक ट्राइडेशन डिमांड रिलोडिंग ड्यूरिंग इच डिटर्मिनेशन इसमें जो सैंपल कंजप्शन है ये बहुत हाई होता है नंबर थ्री कोलमेटिक ट्रेडेशन इज फिटेड ओनली फॉर सैंपल दैट कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कोलमेटिक ट्रेडिसन जो है ये उसी सैंपल के लिए होता है जिसमें वाटर बहुत कम होता है एंड नंबर फोर केएप इज सेलेक्टिव फॉर वाटर ये जो केप ट्रेडेशन है ये सिर्फ वाटर के लिए स्पेसिफिक है लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ केप ट्राइटर इसका आंसर है Cape titrator is used in various fields in the field of chemical industry, in the field of pharmaceutical industry, in the field of petrochemical industry, in the field of power station, in the field of plastic industry, in the field of food and beverage, in the field of cosmetic industry. Friends, hope you understood the topic. If you like my video, then don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for my latest video updates. Thanks for watching.